चढ़े हुए जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले दो बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस दो बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की तीन उंगलियां लगाकर, अगर त्रिशूल पर टच कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है, उसको यश की वृद्धि होने लगती, उसको यश की प्राप्ति होने लगती। त्रिशूल का दान, त्रिशूल का स्पर्श, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहेंगे, आपके स्मरण में रहना चाहिए, बहुत सुंदर स्मरण। कभी अगर मौका लगे, कभी अगर मौका लगे और शंकर भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया, बहुत सुंदर श्रृंगार हो गया और शिव जी पे माला भी बहुत अच्छी चढ़ी है, बेलपत्र भी अच्छी चढ़ी है, धतूरा भी अच्छा चढ़ा हुआ है, फूल भी अच्छे चढ़े हुए हैं और आपने देख लिया शिव जी का बहुत अच्छा श्रृंगार हो गया, और तुम्हें कभी मौका लग जाए ऐसा, और तुम्हारे पास में एक अच्छी सुंदर सी माला हो पुष्प की, तो आप पुजारी जी को या पंडित जी को कह दो, या पंडित जी मां नहीं हो, शिव जी का अच्छा श्रृंगार हो गया हो तो वो माला केवल त्रिशूल की, जो त्रिशूल है उस त्रिशूल पर ही उस माला को अगर आपने केवल टांगी दिया तो भी आप उन्नति की सीढ़ी पर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते। पर किस समय पर, जब भगवान का पूर्ण श्रृंगार हुआ, पूर्ण श्रृंगार शिव जी का हो गया और माला तुम्हारे हाथ में है और तुमने देखा भगवान का श्रृंगार हो गया, अब शिवजी पे अगर माला चढ़ाऊंगा और श्रृंगार गिर जाएगा, तो उस माला को आप अपने यश प्राप्ति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी उन्नति के लिए आप उसको त्रिशूल पर चढ़ा सकते।